ये चीज़ केक अगर आप बाहर से लेने जाओ तो आपको 8 से 10 हज़ार का मिलेगा, लेकिन इस चीज़ केक को घर में सस्ते में कैसे बनाना है ये इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। और ईद भी आ रही है, अगर आप ईद पे ये बनाओगे तो बेजा बेजा हो जाएगी, वाह 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 हो जाएगी। तो ज़रा देखते जाओ इस बर्न्ड पेस्ट चीज़ केक की रेसिपी। ये वो मोमेंट है जिसका हम सबको इंतज़ार था। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, शफ़ा टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रज़ी से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या हाल है महा? बिल्कुल ठीक हाल है। आज हम बनाने वाले हैं चीज केक रेसिपी। कौन सा चीज केक? मतलब बर्न्ड बास चीज केक, फलाना चीज केक, सड़िया चीज केक, भुजिया चीज केक, किड़ा बनाना है? बर्न्ड बास चीज केक। अच्छा, मैंने इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन पहले, दो तीन दिन पहले पूछा था कि मैं क्या बनाऊं, व्हाट डू यू वांट टू सी, तो फिर उसमें मुझे दो तीन चीजों की बहुत फ्रीक्वेंट डिमांड आई, डिमांड एंड सप्लाई, रिक्वेस्ट आई, तो उनमें से रिक्वेस्ट आ पाईया वे हाई सिटीयां कलाईयां। अच्छा, उसमें से सबसे ज्यादा ये थी, दो तीन और चीजें थी वो आप इंशाल्लाह देखेंगे, और बिरयानी थी जो आप देख चुके हैं। yes. और इसमें है ये कि जब मैंने ये पहली दफा बनाया था तो हमजा ने स्टोरी लगाई थी और लोगों ने मुझे कहा था, ओह माय गॉड, आपने जला दिया, दिस इज हाउ इट इज। देखो, मुझे भी आज से कुछ दो साल पहले नहीं पता था कि बर्न चीज केक भी होता है। तो वो अगर किसी को नहीं पता तो उन्होंने कह दिया होगा, बट हाँ, बर्न्ड चीज केक जिसका ऊपर से एक जली हुई फील होती है, इसका नाम ही बर्न्ड चीज केक है, बर्न्ड बास चीज केक। तो आज हम वो बनाने वाले हैं और महा वो बनाती है बड़ा मजे का, लेकिन आज देखते हैं आज की मेहनत। अच्छा, मैं बताती हूँ आपको, ये आपको बाजार से बड़ा महंगा मिलता है, ये इसलिए ज्यादा स्पेशल है, मतलब हर चीज की। ये आपने इस तरह अंडे क्यों रखे? सजाए हुए मैंने भाई। अच्छा, तो ये क्यों स्पेशल है इसकी रेसिपी? क्योंकि अगर आप बाहर से इसका एक स्लाइस लेंगे तो आपको मे बी बाहर से एक स्लाइस मिलता है 900, किसी अच्छी जगह पे जाओ तो 1000, जो एक जगह का मैं नाम नहीं लेना चाहती, लाहौर में बड़ी फेमस है, 2400 का मिलता है एक स्लाइस। तो यस, आप पूरा केक अपने घर बना। और उनका मुझे इतना खास भी नहीं लगा था ऑनेस्टली। हाँ, मुझे लगता है कि ना, टू बी ऑनेस्ट, जब हमने टर्की में भी खाया तो मुझे लगता है कि चीज केक के ऊपर न्यूटेला डालने से उसका टेस्ट खत्म। हाँ, चीज केक पे न्यूटेला, मतलब मैंने वो अभी रिसेंटली हम टर्की गए थे तो मैंने वहाँ पे वो खाया जो गलाटा टावर के बाहर है, दुनिया का मशहूर चीज केक जिसपे से लोग ऐसे चम्मच से वो करते हैं, मेरी भी आपने वो रील में देखा होगा। तो वो मुझे तो लगता है अगर न्यूटेला आपने चीज केक पे डाल दिया, जितने भी मैंने खाए हैं, हालांकि बेस्ट भी खाया है वहाँ पे, तो वो चीज केक का अपना टेस्ट मार देता है। खैर, वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा हम खींचते नहीं है, बताइए अभी पहला स्टेप हमारा क्या है। ये बहुत इजी क्विक रेसिपी है, मतलब जिनको बेकिंग आती है। कितने मिनट में बन सकता है? बनने में तो टाइम लगेगा ही ऑब्वियसली। फिर क्विक क्यों हुई? क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत थोड़े हैं और बहुत इजी क्विक रेसिपी, जिसने कभी बेकिंग नहीं भी की वो भी बना सकता है। सही, ओके ओके ओके। हमारे पास क्रीम चीज है, हैवी क्रीम है, शुगर है। हैवी क्रीम कौन सी? मतलब इटा रोड़े पाए होने दे बेच, हैवी क्रीम दे बेच। अच्छा, भी एक तो हमारे पास ये क्रीम है जो रेगुलर घरों में यूज होती है किसी भी हांडी सालन के लिए। ये क्रीम चीज है। हाँ, तो हम अलमराई की भी यूज कर सकते हैं, वो भी मिल जाती है। वो भी मिलती है, एक दो और भी ब्रांड्स है, आप यूज किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल एग्जैक्ट बाहर का टेस्ट चाहिए तो आप पक या फिर फिलाडेल्फिया, दोनों में से कोई एक चीज पक ज्यादा बेहतर है। अच्छा, और ये क्या चीज है हमारे पास? ये पीसी हुई चीनी है, और इसमें हम लोग, ये क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ डालते हुए बता दूंगी, ये तकरीबन 100 ग्राम ऑफ शुगर है जो कि बनता है आधा कप। क्या ये नहीं समझ आ रहा मुझे, ये क्या चीज यहाँ पे रखी हुई है, मतलब इसका क्या काम है इसमें? ये और कहाँ से इम्पोर्ट किया है इसको? बेर है, ये बेर है। बेर है? हाँ। बेर। अच्छा, लीमू हमारे पास आ गया। और ये हमारे पास क्या है, छोटी सी? ये मैदा है। अच्छा, और मैदा इसकी जगह आप केक फ्लावर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आई प्रेफर दिस, मुझे लगता है ये वाला सबसे सही होता है। तीन अंडे हमने यूज करने हैं, वनीला एसेंस यूज करना है और बस। अच्छा, क्या स्टेप है अगला, जल्दी मुझे सबसे पहले बताओ। हम लोगों ने क्रीम चीज को और शुगर को मिक्स करना है, हमने आहिस्ता 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 इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाना है, क्रीम चीज और चीनी को मिक्स करना है। आज की हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर है ये बेटर वाले, लेकिन बीटर वाली कंपनी का नाम मुझे खुद भी नहीं पता। क्रीम चीज पे क्रीम चीज खोल रही है जज साहब, क्रीम चीज पे क्रीम चीज खोल रही है। इसको खोलना कहां से है? इस तरफ से, ये चेक करें जी, 3 2 1। हमारे पास अब तीन क्रीम चीज खुल चुकी हैं। ये एक पैक है 200 ग्राम का, और हमें कितने चाहिए? और हमें चाहिए 450 ग्राम, इसलिए हमने तो हम दो पूरे डालेंगे और 1/2 डालेंगे और एक का आधा, मतलब ढाई आपके जो है ना क्रीम चीज की। ओए होए होए, क्या लग रही है क्रीम चीज, ऐसा लग रहा है वनीला एक्स क्रीम है जड़ी थोड़ी जिपी कर। आप ना इसकी जगह वो लिक्विड वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही करना कि ये वाला मिले आपको, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जरा थिक होती है तो इसकी केक फॉर्म अच्छी बनती है। दो हमारे पूरे चले गए, 200 ग्राम के डब्बे जी, और 100 ग्राम ये डालना है। अच्छा, हम लोगों ने डाला है इसमें
500 ग्राम टोटल, क्योंकि दो 200 ग्राम के पूरे डाले हैं और एक जो है उसमें से आधा डाला तो वो 100 ग्राम था। 500 ग्राम टोटल क्रीम चीज आ चुकी है। 500 ग्राम क्रीम चीज हो गई। अब ये अगली चीज क्या है जी? शुगर। हाँ जी, अब हम अगली चीज डाल रहे हैं इसमें। चीज केक, एक एक प्याली 100 ग्राम डालनी है तो वो बनती है आधी प्याली। लाओ मैं कर दूं, जायका तो फिर मैं ही पाना है आखिर, वो सारे नु पता है, क्योंकि कमेंट्स के अंदर भी लोग कह रहे थे कि जायका मैं ही पाना जो तुम्हें मिक्स कर दें। जिस चीज को आपने हाथ लगा दिया होता है ना, वो सारी वैसे ही खराब हो जाती है। हाँ, अभी तक कोई खराब हुई है किसी एपिसोड में चीज? जी हाँ जी, आपने क्रॉकेट्स की शक्ल अच्छी नहीं बनाई। नीचे महा वर्सेस हमजा टीम चल रहा था आज, कमेंट्स में आपने बताना है आप टीम हमजा हो या टीम महा हो। मैं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। ये क्या बात हुई? खैर मैंने तो प्लग फाड़ के खड़े होना पड़ेगा क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली इश्यूज, यू नो। वाह 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 वाह, साढ़े वक्त च ना चमचियां नाल फेंट लेंदे सी चीज़ा। मैं इधर एक्सटेंशन में उसका प्लग पकड़ के खड़ा हूँ। हाँ, हमने ये तब तक करना है जब तक हम इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ नहीं कर लेंगे। अच्छा, एक दफा रोक कर, काफी साइडों पे ऐसा जिसको लगे ही नहीं हाथ। जी हाँ जी, वही करने लगी हूँ। पता तनु है कुछ नहीं, जब आपने एक दो मिनट के बाद इसको स्क्रेप कर लेना साइडों से, आहिस्ता आहिस्ता करके शुगर डालनी है। देखो और चीनी, और चीनी, और चीनी। तो जितनी बताइए यार उतनी डाल रही हूँ, क्या हो गया? अगर हाथ से करना है तो फिर मशीन का क्या फायदा यार? अगर अभी डायरेक्ट ऊपर पाउडर डालकर मैं इस तरह मशीन से चलाने लग जाऊं? अगर हाथ से करना है तो मशीन तो सुन तो लिया करें, तो फायदा ही नहीं ना फिर मशीन का, फिर बंदा हाथ से कर ले उसको कंप्लीट। आप जैसे लोग होते हैं जो कहते हैं लाइट आई कि दुनिया में वही टाइम सही था। मैंने तो नहीं कहा। हाँ, लाइट तो फैसलाबाद में वो लेके आए थे। कौन लेके आया था? पता नहीं कौन कहता जी मेरे फैसलाबाद में मेरा दादा लाइट लेके आया था। आप लोग फैसलाबाद के, आप बताओ ये बात सच्ची है? मुझे क्या पता, जो छोड़ते हैं उनसे पूछेंगे। ओके, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप कि इसके अंदर आ चुका है अंडा। ओए होए होए, ओए मिद्दे आ गया, ओए मिद्दे आ गया। ये गया जी हमारा दूसरा अंडा, और दूसरा अंडा जब इसके बीच में जाना है तो आपने देखना है कि किस तरह से पाटेगा। पाट चुका है वो ऑलरेडी। ये पहले ही पाट चुका है अंडा। आपने इकट्ठे अंडे नहीं डालने, एक एक करके डाल। तो ये हमारा गया जी तीजा अंडा। वाह जी वाह, ये तो बीच में ही घुल मिल गया खुद ही। मैंने आपका जान के शॉट जाए। अब हम इसमें डालने वाले हैं वनीला एसेंस। देखो मैंने एक साइड से प्लग पकड़ा हुआ है, एक साइड से ये मशीन पकड़ी हुई है। बंदा बेचारा की करे, ठंडा पानी पी मरे। वनीला एसेंस कितना डाल रही हो? डेढ़। इस डबल क्रीम में हमने अब डालना है अपना मैदा। ठीक है, इसमें हमने 2 चम्मच ऑफ मैदा डालना है। ठीक है, क्रीम में इसमें डालना है। चलो जी, आपने पहले बोला है कि क्रीम के अंदर मैदा डालना है। पागल बनाया, बड़ा बताया। तो पागल खुद को नहीं पता लग रहा कि स्टेप क्या था अगला। अच्छा, 2 चम्मच इसमें। 2 चम्मच वही जो हमारे मिक्सर बने उसमें 2 चम्मच मैदे के डाल दिए जी। और अब इसके बाद इसके अंदर ये क्रीम डाल देनी है। अभी एक मिनट, हमें इसको हैंड फोल्ड करना है पहले। ओह माय गॉड, हैंड फोल्ड। इनु हाथ नाल नहीं कुमाना, ये मैं इसको कर रहा हूँ हैंड फोल्ड। हम लोग लीमू को काटेंगे। लीमू को खच करेंगे, काटेंगे नहीं, काटेंगे का क्या मतलब होता है, खच करेंगे। लो जी, एक पूरा लीमू गया। नो, एक साइड गई है दूसरा। अच्छा, आधा। वहां से बड़े तगड़े लीमू हमने देख के उठाए थे, इतना बड़ा लीमू एक कि उसके आधे में से 2.5 चम्मच निकला है। आधे लीमू में से 2.5 चम्मच रस। 2 चम्मच डालने हैं और रस। रस चलें भाई, फिर प्लग पकड़ूं आगे। मिडिल क्लास फैमिली इश्यूज। अब हम इसको फिर से हैंड फोल्ड कर देंगे। हैंड फोल्ड खाज हैंग है, इसको हैंड फोल्डिंग ही कहते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं जो हमने क्रीम निकाली हुई है। दिस इज 250 ग्राम। हमने नहीं निकाली हुई क्रीम, कंपनी तो बन के आई है क्रीम जो आप हांडियों शांडियों के लिए कुकिंग क्रीम यूज। हाँ, व्हिपिंग क्रीम नहीं। जी नहीं, हाँ। बस यही था चीज केक। जी हाँ जी, बस यही था। मतलब इतना क्विक है चीज केक बनाना? तभी तो मैं बता रही थी कि ये बहुत क्विक रेसिपी। मुझे लगता था पता नहीं कितने टाइम लगता है चीज केक। हाँ, ये बड़ा इजी है। मतलब ठीक है, थोड़ी महंगी इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, लेकिन आपको बाहर भी तो बहुत महंगा मिलता है ना, तो आप ये सोचकर ज्यादा सारा ले लें। बैड चीज ये है कि इसको बनाने के बाद आपको एक पूरा दिन इसको खाने के लिए वेट करना होता है। ये क्या बात है? हाँ, फ्रिज में रखना नहीं होता ओवरनाइट इसको। आप पता 3 घंटे बाद ही खा जाते। हम गलत करते हैं ना, इसको रखना आइडिया। खैर है, जब आपको ठंडा लगे बस खा खू जाओ। हमजा की बात ही नहीं। अच्छा, अब हमारे 2 काम रह गए। एक काम तो हमने ओवन को प्रीहीट कर दिया 250 डिग्रीज पर, 15 मिनट से वो गर्म हो रहा है। और इसके अलावा हम लोगों ने अब इसको बेक करना है फॉर 35 मिनट्स टू
50 डिग्रीज पर अंटिल ये ऊपर से बिल्कुल ब्लैक मत करना, बिल्कुल ब्राउन करना, जो कि आप अगर बिल्कुल ब्लैक करोगे ना अक्सर लोग करते हैं तो उसमें आपको हल्का सा अगर पहली बार या दूसरी बार खा रहे हो तो आपको फील होगा कि यार थोड़ा सा ना मुझे कड़वा जला हुआ टेस्ट आ रहा है, बट आपने पूरा ब्लैक नहीं होने देना, जरा ब्राउन एंड ब्लैक के मिक्स में जब वो जा रहा हो कलर तो वहां रोक देना, उसका जो जायका फिर आता है ना वो बहुत मजा। बटर पेपर ले लिया हम, इसको क्रम्बल करेंगे सूटन वास्ते क्योंकि इसकी शेप बड़ी डी शेप्ड होती है ना चीज केक की, हाँ तो हमें वैसी ही शेप चाहिए। ओके नहीं ऑनेस्टली इसकी रेसिपी का पार्ट है ये, इसको इस तरह निचोड़ के रखना। यस शक्ल प्यारी बनती है। अच्छा शक्ल प्यारी बनती है जी चीज केक। ये तो पाउडर के लिए होता है। हाँ जी मिक्सर कौन गुजारता है इसमें से? हमने गुजारना है ताकि इसमें कोई भी चीनी या मैदा या कोई भी चीज अगर सपोज अच्छी तरह नहीं मिक्स हुई हुई है इसमें से गुजरना ही नहीं है, मिक्सर नहीं गुजर जाएगा, उसके ग्रेन्स ना रहे। ठीक है हम लोगों को अपना मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ चाहिए। समझ आ गई गाइस? बच्चों समझ गए? हाय 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 यम्मी यम्मी। ओके जी सो हमारा फाइन मिक्सचर रेडी है जिसके बीच में अब कोई भी लम्प्स क्रम्प्स किसी भी तरह की कोई चीज, ये वो मोमेंट है जिसका हम सबको इंतजार था। हमारा केक अब ओए होए होए ये इंशाल्लाह जिस खूबसूरती से बनना है ना इसने। अच्छा ये ऊपर से इतना छोड़ा क्यों है ताकि फूल के बाहर आएगा ये? यस अभी इसने बहुत फूल कर बाहर आ। हमने 6 to 7 inch वाला पैन लेना है छोटा, ताकि क्योंकि ये इतना बनेगा और फूलेगा बहुत मोटा सा। हम अगर इसको बड़े पैन में बना सकते हैं लेकिन फिर ये होता है कि वो पतला केक बनेगा आपका। हाँ। तो पतला हमें बट चीज केक जहाँ भी आप असल चीज केक खाओगे ना वो इतना चौड़ा चौड़ा उसका एक स्लाइस होता है। हाँ, तो चीज केक हमेशा ऊंचा अच्छा लगता है। अच्छा भाई ये हमारा जाएगा अब ओवन के अंदर, जिसको महा ने ओवन को 20 मिनट से तकरीबन प्री हीट किया हुआ है जी। इसके अंदर हीट चलाई हुई है और ये 20 मिनट से इसके अंदर हीट बन रही है। अब हम इसको खोलेंगे और ओवन के अंदर हम अपना चीज केक, महा ग्लव्स के बगैर रख रही हो? डोंट डू दिस हाथ बचा के। ये खवातीन हज़रात हमारा चीज केक जा चुका है प्री हीटेड ओवन के अंदर। और कितना टेम्परेचर आपने रखा हुआ इसका? हमने इसका रखा है 250 डिग्रीज, आप दिखा दो। अच्छा अब हमने उसके अंदर रख दिया, कितनी देर उसको बेक करना है? हमने इसको 30 to 35 minutes to 38 minutes, मतलब आपको जितना डार्क चाहिए आप उतना बेक करते हो। 30 मिनट के बाद आपने हर मिनट उसको चाहती है चेक कर देखते रहना। मैं क्या करती हूँ, मैं 30 मिनट्स के बाद ना उसको बहुत ज्यादा चेक कर रही होती हूँ, जब बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मुझे इतना चाहिए। खैर चलो अब ज्यादा मैं तो बस बोलना शुरू हो जाए ना चुप ही नहीं कर दी। अब हम मिलते हैं 30 मिनट के बाद। One eternity later. Okay जी जितनी देर हमने इसको ओवन में रखा हुआ था इफ्तारी हो चुकी है, 7:45 हो चुके हैं। हम लोग इफ्तारी करके वापस आए और इसको हमने निकाला है ओवन से। आपने इसको थ्रू आउट एक ही टेम्परेचर पे बेक नहीं करना, और जिस वक्त आपको लगे कि ये आपका डिजायर्ड कलर है आपने उस वक्त इसको 30 मिनट्स बाद निकाल देना है। कलर उसका मतलब जो बाहर मैंने चीज केक देखे बर्न चीज केक एग्जैक्टली इसकी वो वाली शेप आई है अभी। अब ये इसको बाहर रहने देंगे हम 1 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसका ये टिन खोलेंगे ताकि ये सेट हो चुका हो। और अभी इसने थोड़ा सा नीचे जाना होता है, जैसे आपने केक बाहर देखा होगा कि वो फूंक निकल दी थोड़ी। हाँ। तकरीबन 1.5-2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हम लोगों ने अपना चीज केक बाहर निकाल लिया है, और चीज केक शक्ल तो उसकी पूरी है ही है, अभी जो उसको खाने में और उसको अलग करने में जो मजे आने हैं ओए होए होए। हमारा चीज केक रेडी है और अब हमने इसका टिन अलग कर लिया। ओए होए बर्न्ट बस चीज केक, इनू सादा अल्फाज कह सकते हैं सड़े हुआ चीज केक, जबकि ये सड़ा हुआ चीज केक नहीं है। जी हाँ, ये एक प्रॉपर चीज केक की टाइप है। नाइस लुकिंग। और क्या खूबसूरत चीज केक लग रहा है एग्जैक्टली इस तरह से। और ये जो हमारी केक ट्रे है ये हमारे स्वीट से जो नेबर्स हैं उनका ब्रांड है, और उन्होंने हमें ये कुछ ट्रेज और कुछ चीजें भेजी हैं। यहाँ पे आपको उनका ब्रांड लिखा हुआ नजर भी आ रहा है, आप जाके चेक भी कर सकते हो। बहुत प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट चीजें हैं और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी के लिए आपके पास। यस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप लोग जाके ये चीजें ले सकते हो। तो खैर महा करें शुरू। ओ यार क्या खूबसूरत चीज केक लग रहा है, काट दिया जाए जी इसको क्योंकि मेरे से अब और इंतजार हो नहीं रहा। ये जी 3, 2, 1 और हमारा चीज केक ओफ खूबसूरत। ये जो इसका ऊपर बर्न्ट वाला है ना सीन ओए होए होए होए, ये अन्नी डाल देता है। चलें जी इस तरह ज़रा निकालें इस स्लाइस को, ज़रा निकाला जाए और इस स्लाइस को मेरे नाम कर दिया जाए। क्या बात है ओए होए 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 फुल ऑन लीथल चीज के। 3, 2, 1 खवातीन हज़रात इसके जरा ऊपर से आए चमची और एक क्रीमा मलाइयां मारे हुए चीज केक।
ओए होए होए, आप सर इसका टेक्सचर चेक करो, अभी सिर्फ 2 घंटे हमने इसको फ्रिज में रखा है। हैप्पी टू यू कर दिया जाए। हैप्पी टू यू कर दिया जाए, ये चीज केक मुझे खिला दिया जाए। हैप्पी टू यू। बहुत क्रीमी यमी सर एक्सट्रा। ओए होए होए होए, बहुत क्रीमी। अभी गर्म है क्योंकि अभी ये गर्म है, 1 घंटे में उसको कोई फर्क नहीं पड़ा फ्रिज में रखने से, इसीलिए आपको 1 दिन का जो बताया, 1 दिन आपने रखना है लाजमी। अभी मिक्सर की फील गर्म ही है, बट टेस्ट ओए इतना कोई क्रीमी और ऐसा कोई खूबसूरत बेहतरीन चीज केक बना है। अच्छा बर्ड का जो है ना कैरमलाइजेशन हो, हाँ जलावा बिल्कुल भी नहीं आता आपको, किसी को अगर देख के लग रहा हो सड़ गया नहीं, उसकी एक हल्का सा फील आती है आपको, जो कि अब उस टेस्ट को जो है ना मीठे को साथ साथ बैलेंस करता है, इतना मजे का लगता है। ओके जी, तो ये थी हमारी बर्न्ड बास्क चीज केक की रेसिपी, और आपने इस चीज केक को घर में ट्राई करना है। अगर आपको ये थोड़ा डार्क कलर में लग रहा है तो आपने थोड़ा पहले उसको रोक देना है, ऐसी है तो वो थोड़ा सा लाइट कलर पे रुक जाएगा, तो आप इसको ऊपर से इतनी हीट ना दें, आप इसको ज्यादा मतलब 15 मिनट्स पे डिवाइड कर दें। हां बट ऊपर से थोड़ा डार्क हो तो ही इसकी असल फील आती है, क्योंकि अंदर से ये पूरा एक्चुअल अपनी फॉर्म में रहता है, ये नहीं है कि अंदर से जल जाएगा, ऊपर से इसको देख के पैनिक नहीं होना है। फिर इस वीडियो पे खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाई को और माँ को दुआ में याद रखने, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है, अल्लाह हाफिज़।